हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है कि आपने जो भी इन्वर्टर देखा होगा उसके आउटपुट सॉकेट में एक कैपेसिटर लगाया जाता है, इस तरह जैसे इसमें शायद 1 MFD का होगा। अगर ऐसा नहीं आपको मिले तो इस तरह का मिलेगा छोटा सा, और साथ में आपको एक रेजिस्टेंस भी मिलती है वहाँ पर कोई 10 वाट के करीब। तो जहाँ जैसे ये साइन वेव है इसमें भी यहाँ पर लगा है, क्योंकि कोई भी इन्वर्टर हो उसके जो आउटपुट सॉकेट है जहाँ सर्किट में लगा दिया जाता है या फिर बिल्कुल सॉकेट के ऊपर लगाया जाता है। तो ये क्यों लगाया जाता है? कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब ग्रिड से सप्लाई आ रही हो तो हमारे जो फैन है, सीलिंग फैन है, वो सही चलते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जैसे ही बैकअप मोड में आया तो सीलिंग फैन आवाज़ देने लगते हैं। तो वो पंखे की आवाज़ को कम करने के लिए ये कैपेसिटर लगाया जाता है, हमें यह तो पता है, लेकिन ये काम कैसे करता है आज हम इसी पर ही ये वीडियो बना रहे हैं। इसके लिए मेरे पास है एक छोटा सा DSO, इसमें वेव्स आपको दिखेंगी। पहले हम ग्रिड की जो वेव्स है वो देखेंगे। तो इसके लिए हम सीधे इसको 220 वोल्ट सप्लाई नहीं दे सकते, तो मैंने इसके लिए छोटा सा एक 909 का ट्रांसफार्मर लिया है, वो इसके आउटपुट सॉकेट में मैं लगा दूंगा। और यह देखें, आप इसको तो पहचान ही गए होंगे कि यह AC सप्लाई का सिंबल है। तो जो AC की वेव्स है इस तरह की होती है, आपको पता ही है, क्योंकि अभी मैंने इन्वर्टर को ग्रिड से जोड़ दिया है, ग्रिड सप्लाई इसके बीच से बाईपास हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको बैटरी मोड, बैकअप मोड में लेकर आऊँगा तो ये वेव्स है जो ये देखें, अभी ऑन करूँगा मैं इन्वर्टर को, आपको इस तरह की दिखेंगी। यह जो आउटपुट है ये सिक्योर वेव इन्वर्टर की है। तो इसको आउटपुट की जो वेव्स को सही करने के लिए ये हम लगाते हैं। ये देखें, अभी इसकी जो वायर है ये निकाली हुई है, सिर्फ एक न्यूट्रल वाली वायर लगाई गई है। तो जहाँ पर जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ये देखें वेव्स सही हो गई। ये हटाने के बाद इस तरह दिख रही है और लगाने के बाद इस तरह से। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 1 MFT का कैपेसिटर लगाने के बाद इतनी वेव्स सही हो गई, हम इस पर 4 MFT का लगा दें तो फिर इससे भी वेव्स ज़्यादा सही होगी, क्या ये हो सकता है? तो मेरे पास एक 4 MFT का कैपेसिटर है, तो मैं आपके सामने ये लगा रहा हूँ इसके आउटपुट सॉकेट में। देखें, बिल्कुल सेम वही की वही है, चाहे आप 1 MFT का लगा दो चाहे 4 का लगा दो। 4 का लगाने से आपका क्या नुकसान होगा तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यह देखें, यह इसका बिल्कुल नो लोड पर 2.8 एम्पेयर के करीब एम्पेयर ले रहा है इन्वर्टर, क्योंकि सिर्फ इस पर कोई भी लोड नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर लगाया गया है। तो यह देखें, मैं अभी कैपेसिटर उतार रहा हूँ, ये देखें 1 एम्पेयर कम हो गया। तो अगर मैं जहाँ पर 1 MFT लगाऊँगा तो फिर देखते हैं क्या है। अगर ये मैं लगाता हूँ तो जहाँ पर ये देखें कोई भी अंतर नहीं आ रहा, और जो वेव्स हैं यह भी आप देख सकते हो ने जैसा कि देखा कि क्यों यह लगाया जाता है। बस इसका कारण यही है कि जो इसकी वेव्स है वो सही रहे, जो ज़्यादा सेंसिटिव सामान है हमारा, जैसे मोबाइल चार्ज हो गया या कोई और छोटी SMPS सप्लाई, वो सही चलती रहे, ख़राब ना हो। तो ये सेफ्टी के लिए ही ये लगाया जाता है और वेव्स सही करने के लिए। तो आज की दोस्तों जो वीडियो है वो इतनी ही थी। थैंक यू।